समस्त विश्व के बौद्धों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि लाओस देश के बुकयो मेकांग नदी के किनारे भगवान बुद्ध की एक बहुत ही बड़ी प्रतिमा मिली है। इसके साथ ही कुछ दिनों पहले भगवान बुद्ध की हजारों प्रतिमा इस स्थान से मिली थी। यह मूर्तियां बहुत ही प्राचीन हैं और स्क्रीन पर चलते हैं, दिखाते हैं यह जगह है कहाँ। यह हमारा भारत है और भारत में, भारत से साइड आएंगे तो ये बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और ये है लाओस। लाओस यह देश है पूरा और लाओस में बुकयो प्रांत है और मेकांग नदी है। ये इस जगह पे मेकांग नदी के किनारे मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेकांग नदी के किनारे यह भगवान बुद्ध की प्रतिमा पाई गई है। यह प्रतिमा ये वो जगह है जहां पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा पाई गई है। यह इस जगह पे वह प्रतिमा पाई गई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यह लाओस है। यह वह मूर्तियां हैं जिन्हें लाओस में पाया गया। यह देखिए, यह मूर्तियां जमीन की खुदाई में पाई गईं। कितनी सुंदर प्रतिमा, प्राचीन काल में बनी हुई यह प्रतिमा। अभी फ़िलहाल तो इसे 8वीं शताब्दी का बना हुआ बताया जा रहा है फ़िलहाल, लेकिन एग्जैक्ट जांच होने के बाद हम आपको रिपोर्ट बताएंगे कि यह मूर्तियां 8वीं शताब्दी में बनी हैं या उससे भी ज़्यादा प्राचीन हैं। फ़िलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं और कुछ दिन पहले देखिए, ये हजारों की संख्या में कुछ मूर्तियाँ यहाँ रखी हैं, कुछ वहाँ के संग्रहालय में भेज दी गई हैं। लेकिन यह मूर्तियाँ देखिए, इतनी प्राचीन मूर्तियाँ लगातार वहाँ जगह जगह पर पाई जा रही हैं, निकल रही हैं। यह बुद्ध धर्म की विशालता को इंगित करता है कि बुद्ध धर्म भारत में तो पाखंडियों ने समाप्त कर दिया, जैसे चाहे उन्होंने वैसे बुद्ध धर्म को रौंदा, लेकिन बुद्ध हैं कि मिटते नहीं। कहते हैं कि जमीन को जहाँ भी खोदोगे तुम्हें बुद्ध ही मिलेंगे। भारत में पाखंडियों ने बुद्ध धर्म को रौंद डाला, समाप्त कर डाला, लेकिन पूरी दुनिया में बुद्ध की मूर्तियाँ निकल रही हैं। भारत में जो मूर्तियाँ निकलती हैं जमीन के अंदर से बुद्ध की, उनमें मैक्सिमम मूर्तियाँ खंडित की हुई होती हैं। और खंडित किसने किया, किस कारण किया, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ पा रहे होंगे कि पाखंडियों ने किस प्लानिंग के तहत बुद्ध की मूर्तियों को भारत में रौंदा और उनको समाप्त किया। आज लाओस में निकली यह मूर्तियाँ बुद्ध धर्म को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं, बौद्धिस्टों को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं और बुद्ध धर्म को यह स्थापित कर रही हैं कि यह दुनिया का सबसे प्राचीन, सबसे महान और सबसे शक्तिशाली, सबसे मैत्रीपूर्ण धर्म है जो पूरी दुनिया में फैला। और इसका श्रेय जाता है विश्व के सबसे महान सम्राट, सम्राट अशोक महान मौर्य को। यूं ही नहीं कहा जाता है कि पूरे विश्व में जहाँ भी इस पृथ्वी को खोदेंगे आपको बुद्ध ही मिलेंगे, क्योंकि बुद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में इस तरीके से विस्तारित कर दिया था कि हर देश का राजा बुद्ध से प्रेम करने लगा था। लाओस अधिकारियों ने 16 मई को घोषणा की थी कि बुकयो के उत्तरी लाओस प्रांत में मेकांग नदी के पास एक रेतीले क्षेत्र से कम 2 मीटर ऊंची बुद्ध की प्रतिमा खुदाई की गई, उस खुदाई में मिली। 16 मई को निकली यह मूर्ति प्रांत के टोनफ्योंग जिले से मिली है। इस चल रही खुदाई में लगातार मूर्तियों का मिलना जारी है। लाओस राष्ट्रीय टीवी के अनुसार 16 मई को 9 अन्य बुद्ध प्रतिमाएं भी खोजी गई।
प्रतिमाओं की उम्र और उत्पत्ति की पहचान नहीं की गई है। उसमें से अधिकांश कांसे के बने हुए थे और कुछ पर अक्षर उत्कीर्ण थे। टोनफ्यूंग जिले में खुदाई मार्च से शुरू हुई। मूर्तियों की खोज के बाद लाओस सरकार ने खुदाई को पेशेवर तरीके से सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया था। इन मूर्तियों की खुदाई जब यूं ही हो रही थी तो जब यह मूर्तियां मिली उसके बाद से लाओस की सरकार ने इसको पेशेवर तरीके से और पुरातत्व विभाग के संरक्षण में करवाने का निर्णय लिया। साथ ही इन मूर्तियों को पाया गया जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और इन मूर्तियों को उसी जिले में रख दिया गया है। साथ में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसकी जांच कर रहा है कि यह मूर्तियां कितनी पुरानी हो सकती हैं। कुछ अधिकारियों का कहना है कि यह मूर्तियां लगभग 800 साल प्राचीन हैं। साथ ही आपको यह बता दें कि लाओस एक बौद्ध राष्ट्र है जहां पर 80% थेरवाद बुद्धिस्ट पाए जाते हैं और 20% महायान के बुद्धिस्ट पाए जाते हैं। लाओस पूरी तरीके से एक बौद्ध राष्ट्र है जहां पर सभी के सभी बौद्धिस्ट निवास करते हैं। यहां पर मूर्तियों का मिलना और इतनी अधिक मात्रा में मूर्तियों का मिलना कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि प्राचीन काल से सम्राट अशोक जब शासन करते थे उसके बाद से जब पूरी दुनिया में बुद्ध धर्म का विस्तार सम्राट अशोक ने करवाया उसके बाद से सम्राट अशोक के बताए मार्ग पर कैसे बुद्ध धर्म के हिसाब से चलना है दुनिया के सभी मैक्सिमम राजा आतुर थे कि सम्राट अशोक बुद्ध धर्म के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम भी वैसे ही करेंगे। लाओस इसी क्रम में आगे बढ़ा और लाओस की भूमि में हर तरफ बुद्ध ही बुद्ध हैं। ऊपर तो बुद्ध हैं ही, नीचे अगर आप खुदाई करेंगे तो आपको बुद्ध ही बुद्ध हर तरफ दिखाई देंगे और मिलेंगे। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम इसी तरीके से रिसर्च करते रहें, इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाते रहें, तो प्लीज निवेदन है, डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज निवेदन है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय। जय भारत।